हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम बनाते हैं ब्रेड से एक नई मिठाई। अगर आप लोग को ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे। तो चलिए अब फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई को हमने गर्म कर लिया है। कढ़ाई गर्म करने के बाद हम उसमें डालेंगे 100 ग्राम मावा, क्योंकि मावा कच्चा है, थोड़ा सा पका लेंगे इसे हम। मावा डालने के बाद चला देंगे कढ़ाई में थोड़ा सा, एक दो बार चलाने के बाद। चलिए 1 टेबल स्पून हम इसमें चीनी डाल देते हैं। चीनी डालने के बाद मावा में अच्छी तरह से चीनी को मिला लेंगे। देखिए चीनी हमारा अच्छी तरह से मिल गया मावा में, मेल्ट हो गया चीनी अच्छी तरह से मावा में। अब हम इसमें डालेंगे काटे हुए ड्राई फ्रूट्स, 3-4 काजू को बारीक बारीक काट के हम डाल रहे हैं इसमें, 3-4 बादाम को भी डालेंगे काट के। चलिए बादाम को भी डाल देते हैं, थोड़ा बारीक ही टुकड़ा में काटे इसे। बाकी तो आप लोग को जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो वो डाल सकते हैं इसमें। देखिए मावा हमारा लगभग तैयार होने को है। बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है इसमें से। गैस को अभी हम धीमे आंच पे रखे हैं। देखिए मावा एकदम से गीला हो गया है। तो चलिए हम इसे निकाल के रख लेते हैं। उसी कढ़ाई में हम दूध डाल देते हैं। दूध डालने के बाद अच्छी तरह से उसे, जो भी मावा उसमें लगा था दूध में मिला देंगे। एक चुटकी केसर डाल देते हैं, 1/2 टेबल स्पून चीनी डाल देते हैं। दूध को थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे। 150 ग्राम दूध लिया तो लगभग हम 100 ग्राम दूध रखेंगे, बाकी को हम जला देंगे। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल देते हैं इसमें भी, वही काजू और बादाम। काजू बादाम डालने के बाद थोड़ा सा चला देंगे हम इसे। देखिए दूध हमारा तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम फटाफट से क्या करेंगे, तो ब्रेड को काट लेंगे। 1 ग्लास के साइज से हम इसे काटेंगे गोल गोल। इसी तरह हम सारे ब्रेड को काट लेंगे। सबको एक ही साइज में काटेंगे। देखिए ब्रेड को सारे को हमने काट के रख लिया है। तो देखिए हमने सारे ब्रेड को तो यहाँ काट लिया है। तो अब क्या करेंगे, जो मावा बनाए थे हम उसका हम ब्रेड में बीचों बीच फिलिंग भर देंगे और एक ब्रेड ऊपर से रख देंगे। फिर हम उसे हाथ से दबा देंगे जिससे कि अच्छी तरह से दोनों साइड से मावा लग जाए और दब जाइए, खुले ना कहीं से। साइड से भी थोड़ा सा दबा देंगे। देखिए सारे को हमने तैयार कर लिया है। चलिए अब ऊपर से हम इसमें दूध डाल देते हैं। रसमलाई तो आप लोग बहुत बार खाए होंगे, ये मिठाई एक बार खा के देखिए, बहुत ही अच्छा होता है खाने में, एकदम से लाजवाब। प्लीज़ आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए साथ में।